हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फालूदा की रेसिपी। और ये रेडीमेड इटमी का फालूदा है और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। आपको जो पसंद हो फ्लेवर आप वो ले सकते हैं। और ये 200 ग्राम का है और इसमें 6 ग्लास बनके तैयार होगा फालूदा। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान इजी रेसिपी है। तो चलिए इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। और तो इसमें सब कुछ मिक्स आता है, इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए मैंने इसे निकाल लिया है, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने गैस पे दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। तो ये दो कप आधा लीटर दूध है, इसमें एक उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आ गया है और इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 चम्मच शक्कर। शक्कर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे अभी पका लेंगे दूध के साथ। तो देखिए शक्कर अच्छे से घुल गए हैं। इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट, थोड़ी सी काजू और बादाम बारीक कटे हुए, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या नहीं तो स्किप कर दें। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया, दूध भी गाढ़ी हो चुकी है। अभी इसमें हम डाल देंगे फालूदा का पाउडर और इसे हमें चलाते हुए पका लेंगे। तो इसे हमें जब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। तो इसी तरह से देखिए चलाते हुए हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें गांठे ना पड़े। तो देखिए फालूदा गाढ़ी हो चुकी है और ये बनके तैयार है। इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए इसे हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और ठंडा होने के बाद इसे फ्रिज में रख देंगे, फिर इसे हम सर्व करेंगे। तो देखिए मैंने फ्रिज में रख दिया था और ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो गया है और ठंडा भी हो गया है। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ग्लास लिया, इसमें अब हम डाल देंगे फालूदा। और इसके ऊपर हम डाल देंगे बारीक कटे हुए एप्पल अनारदाना। आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, आपको जो पसंद हो आप डाल सकते हैं। और भी फ्रूट जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। फिर इसके ऊपर से हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट और फालूदा। और इसी तरह से हमें इसके ऊपर डाल देंगे फिर से थोड़ी सी बारीक कटे हुए एप्पल अनारदाना। देखिए टूटी फूटी डाल देंगे इसके ऊपर। और तो देखिए इसके ऊपर से डाल देंगे आइसक्रीम। ये देखिए इस पर भी डाल देंगे और इसके ऊपर से हम डाल देंगे टूटी फूटी तो इससे अनारदाने। तो देखिए फालूदा बनके तैयार है और कितना आसान है इसे बनाना। तो रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।